जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि जब हमारे पास एक साइड और दो एंगल गिवन हो, उस वक्त हम ट्राइंगल को किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं। यानी कि हमारे पास आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है और सिक्स पार्ट कर रहे हैं। सिक्स पार्ट में हमारे पास जो एक साइड गिवन है और इसके दो एंगल्स गिवन है, तो इस केस में हमें कैसे ट्राइंगल ड्रॉ करना है ये देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो सबसे पहले हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना होगा, वो है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ खास ख्याल रखें स्केल पर, यहाँ पे एक साइड पे इंच होते हैं, दूसरी साइड पे सेंटीमीटर्स। तो सेंटीमीटर आपको ड्रॉ करना है 2.5। आप अपने यूनिट देख लिया करें, तो ये हमारे पास आ गया ए, ये हमारे पास है जी बी, ये हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें आप देख रहे हैं यहाँ पर एंगल जो है वो एंगल, ये एंगल साइन होता है जाविया, एंगल ए हमारे पास है 30। इसका मतलब पॉइंट ए पर हमें 30 का एंगल ड्रॉ करना है और पॉइंट बी पर हमें 105 का करना है। अगर आप चाहें तो कंपास की मदद से भी कर सकते हैं, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया हुआ कि एंगल किस तरह ड्रॉ किए जाते हैं सारे एंगल्स। तो अभी मैं आपको प्रोट्रैक्टर की मदद से बता रहा हूँ। तो गाइस, जो आपने जिस पॉइंट पर एंगल ड्रॉ करना हो, आप ये प्रोट्रैक्टर में देख रहे हैं, इसका क्रॉस जो सेंटर वो यहाँ पे रख लें और याद रखें कि इसकी जो लाइन है, ये जो लाइन जीरो वाली लाइन है, ये आपकी ए बी लाइन के बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए इस तरह से, ठीक है। यानी कि वो लाइन जो है उसके बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि पॉइंट ए पर हमने एंगल ड्रॉ करना है और हमारा जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट बी इस तरफ है। इसका मतलब है मुझे यहाँ से काउंट करना शुरू करना होगा, दूसरी साइड से मैं काउंट नहीं करूँगा। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा है ये पॉइंट मैं जो बता रहा हूँ कि आपके पास ये पॉइंट ए है, आपने बी से काउंट करना शुरू करना है। बात समझ आ रही है? यहाँ से 0, 10, 20 और 30 पर आपने एक पॉइंट लगा दिया। अब ये जो पॉइंट है इसको ए से मिला दें, ये हमारे पास क्या है, वो एक 30 का एंगल है। ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो बी पर एंगल है वो है 105 का एंगल है। अब हमें बी पर सिमिलरली बी पर प्रोटेक्टर रखना होगा और ये लाइन बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अब हमें पॉइंट ए बी हमारा यहाँ है, दूसरा पॉइंट हमारा किधर है, इस साइड पर है या इस साइड पर, ये देखना होगा। तो हमारा ये बिल्कुल इस साइड पर है, यहाँ से हमें काउंट करना होगा, ये 0, 0 से यहाँ 70, 80, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 110 और यहाँ से 100 और यहाँ से 105, ये आ गया। तो इसको अब हम पॉइंट बी से मिला देते हैं। तो गाइस, आप देखेंगे कि जैसे ही आप दो एंगल ड्रॉ करेंगे, वो आपका पॉइंट सी जो है वो आपको खुद ही मिल जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, वो सी है। ये ए बी सी हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल है जो कि हमने कंस्ट्रक्ट कर ली है। ये हमारे पास एंगल है एक्चुअली 30 का और ये हमारे पास है 105 का। आप ये एंगल चाहें तो कंपास की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए आपको मैं वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, हमारे YouTube चैनल ए प्लस इलम पर जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था तरीका कि आप किस तरह, अगर आपके पास दो एंगल दिए गए हों और एक साइड दी गई हो, तो आपने ट्राई एंगल कैसे बनानी है। सबसे पहले साइड ड्रॉ कर लें, साइड ड्रॉ करने के बाद देखें एंगल कहाँ पर है, ए पर है, ए पर प्रोटेक्टर रखें और वहाँ पर 30 का एंगल ड्रॉ कर लें, क्योंकि आपके यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि आप जो है वो विदाउट जो है वो प्रोटेक्टर करें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बी पर एक एंगल है जो कि 105 है। अब बी से पर हमने प्रोटेक्टर रखा और ए से काउंट करना शुरू किया, जहाँ पे 105 आया यहाँ पे पॉइंट लगाया, उस लाइन को ज्वाइन कर दिया सॉरी यहाँ पे, तो ये दोनों पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा पॉइंट सी है। तो ये हम जो है वो एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं।